हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग पे। आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी जी हां रायपुर के सभी गणेश दर्शन कराने वाला हूं। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी बात, यह वीडियो मैंने शूट नहीं किया हुआ है। यह वीडियो मेरे पंकज भांजे और ज्योति भांजी ने शूट किया है, क्योंकि मैं अभी मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, इसी कारण मैं रायपुर नहीं जा पाया। तो उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप्स मुझे सेंड किया है, तो अपने शब्दों के आधार पर आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम शिवानंद नगर रायपुर से। श्री स्वास्तिक गणेश समिति द्वारा बैठाया गया यह बहुत ही प्यारा सा गणेश आप देख सकते हैं। दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि और बीच में हमारे लंबोदर महाराज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद शिवानंद नगर पे एक और गणपति बप्पा, जी हाँ, अपने पिता श्री शिव जी के साथ पीठ पे सवार हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यह दृश्य यह दर्शाता है कि पिता और पुत्र में कितना प्रेम है। श्री श्रमजीवी गणेशोत्सव समिति, यह नंदी चौक टिकरापारा में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री बाल गणेशा गजराज के ऊपर सवार हैं और उन्हीं के बगल में झूला झूलते हुए हमारे गणेश महाराज, और साथ में आसपास किसान मजदूर यहाँ पे दृश्य देखने को मिलते हैं। और भीड़ के कारण मैं आप लोगों को ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, अब चलते हैं एक विशाल गणेश जी के दर्शन की ओर, जो है रामेश्वरम धाम के तर्ज पे मॉडल्स क्लब दुर्गा चौक मठपारा रायपुर द्वारा यहाँ पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी की बहुत ही विशाल एवं सुंदर सी मूर्ति यहाँ पे बिठाया गया है। दोस्तों, चार धाम की यात्रा में एक धाम, जी हाँ, रामेश्वरम धाम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री राम भगवान हनुमान जी की यहाँ पे झांकी लगाई गई है और भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, 2022 रायपुर का जो सबसे खास और सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ एक ऐसा गणेश पंडाल, जी हाँ, जो काफ़ी लोगों को यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दिया, जी हाँ, टाइटैनिक, छत्तीसगढ़ टाइटैनिक। यह गणेश पंडाल आपको कालीबाड़ी में देखने को मिलता है, जी हाँ, जय भोले ग्रुप समिति द्वारा यहाँ पे। और यहाँ भी हर साल आपको बहुत ही सुंदर सुंदर एवं भव्य रूप से गणेश पंडाल एवं गणेश की मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलते हैं, पार्किंग से लेके यहाँ पे एंट्री तक आपको बहुत परेशानी होती है अंदर जाने के लिए। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो प्रवेश द्वार से फिलहाल हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और यहाँ से अब पास से हम देखते हैं यहाँ पे टाइटैनिक, जी हाँ, छत्तीसगढ़ का यह नज़ारा। और ये टाइटैनिक जहाज के बीच में बीचों बीच आपको गणपति महाराज देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों द्वारा बहुत ही भीड़ है। दोस्तों, यहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप लोग कितने भीड़ हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है और सभी अपने अपने मोबाइल निकाल के यहाँ के हर एक चीज़ को अपने कैमरे पे कैद कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कैमरे को कैरी करके रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ का यह भव्य गणेश जी यहाँ देखने लायक था। यहाँ का यह विशाल गणेश जी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और बहुत विशाल मूर्ति आप यहाँ पे जय भोले ग्रुप द्वारा कालीबाड़ी पे आपको देखने को मिलता है रायपुर में। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जी हाँ, रायपुर का सबसे प्यारा एवं भव्य झांकी वाला गणेश, जो कि चार धाम के तर्ज पे बनाया गया है। गुड़िहारी में हर साल बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पे झांकी द्वारा गणेश दिखाया जाता है, और इस साल चार धाम की यात्रा का यहाँ पे हमको दर्शन कराया गया है। यहाँ पे चारों धाम में से एक धाम यहाँ पे यमुनोत्री धाम, और जो भी चार धाम की यात्रा कर चुके हैं उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा जलप्रपात का दृश्य आप झांकी द्वारा आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और झांकी के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आपको अलग देखने को मिल रही होगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी का यहाँ पे झांकी बहुत ही और लाइट से चमकते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे हम चलते हैं यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे गंगोत्री धाम, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है अंदर पे, और यहाँ पे गंगोत्री धाम आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे जलप्रपात यहाँ पे देख सकते हैं झांकी द्वारा दिखाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे केदारनाथ बाबा धाम, जी हाँ, उत्तराखंड का यह दृश्य यहाँ पे एक झांकी के द्वारा दर्शाया गया दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे शिव जी की यहाँ पे विशाल मूर्ति यहाँ पे झांकी द्वारा देख सकते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पे बद्रीनाथ धाम, जी हाँ, यहाँ पे बद्रीनाथ धाम दिखाया गया है, और बहुत ही प्यारा सा, जिन्होंने चार धामों की यात्रा कर चुके हैं वो इसको देख के उनकी जो मतलब मेमोरी है वो ताज़ी हो गई होगी। यहाँ पे शिव जी और माता पार्वती जी यहाँ पे का बहुत ही प्यारा झांकी यहाँ पे देखने को मिलता है। और हम चलते हैं आगे की ओर, और यहाँ पे बाबा जय बाबा अमरनाथ, जी हाँ, यहाँ पे जय बाबा अमरनाथ धाम के काफ़ी दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है, और बहुत ही सुंदर सी झांकी यहाँ पे गुड़िहारी में आपको इस साल 2022 में देखने को मिला। और यह रहे यहाँ के गणपति महाराज जी, हाँ, बहुत ही सुंदर सी मूर्ति यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे चार धामों में से एक धाम रामेश्वरम धाम का भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी झांकी द्वारा दृश्य दिखाया गया है। और सभी लोग अपने अपने मोबाइल में यहाँ की जो मेमोरी है, यहाँ की जो खूबसूरती को यहाँ पे कैद कर रहे हैं। चलते हैं यहाँ पे द्वारिकाधीश धाम, यह धाम को भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे झांकी द्वारा दिखाया गया है, और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे नज़ारा यहाँ पे चार धाम यात्रा का आपको ही पंडाल के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ गुड़िहारी रायपुर में। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों ये मैंने ऐसा मतलब इसलिए किया क्योंकि अभी अगले मंथ मेरा एक साल हो जाएगा मतलब मेरे इस चैनल को, और मेरा वॉच टाइम है जो थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, तो इसलिए, और इस कंडीशन में मैं अभी कहीं बाहर नहीं जा सकता, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे भांजी और मेरे भांजी जी ने कुछ वीडियो मुझे सेंड किए थे, और तो थैंक यू सो मच मेरे भांजे एंड भांजी जी।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। गणपति बप्पा मोरिया।